हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे बिल्कुल ऑयल फ्री छोले और साथ ही कुलचे भी। छोले की खास बात यह है कि इसमें किसी भी फॉर्म में फैट नहीं है, ना तो तेल है, ना बटर है, ना घी है। ऑयल फ्री होने के बाद भी टेस्ट बिल्कुल झकास। तो आइए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। छोले बनाने के लिए हमने 2 कप काबुली चना रात में भिगा लिया था और ये पूरी तरह से फूल चुका है। इसे धोकर प्रेशर कुकर में डालेंगे और टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे। फिर कुकर का ढक्कन बंद करके 2-3 सीटी बजने तक पकाएंगे। 2-3 सीटी में पूरी तरह से नहीं पकेगा, लेकिन अभी इसे और भी पकाना है, इसलिए अब गैस बंद कर देंगे। आइए तब तक कुलचे के लिए आटा लगा लेते हैं। एक परात में 500 ग्राम मैदा लेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर डालेंगे और साथ ही इसमें 1 कप गुनगुना दूध डालेंगे। साथ ही 4 टेबलस्पून दही डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गुनगुने पानी की सहायता से आटा गूंथ लेंगे। आटा थोड़ा सा स्टिकी है, पर आटा ऐसे ही चाहिए, इसे मैदा डालकर सूखा न करें। 4-5 मिनट गूंथने के बाद अपने आप ही चिकना आटा तैयार हो जाएगा। ये देखिए डो तैयार हो गया है। अब इसे ढककर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब गैस पे 4-5 टमाटर इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। अपर लेयर पूरी तरह से जल जाए इतना भुनना है। चूंकि छोले में तेल नहीं डाल रहे हैं, इसलिए टमाटर को डायरेक्ट फ्लेम पे ही पका ले रहे हैं। अब टमाटर को छीलकर साफ कर लेंगे और इसकी प्यूरी बना लेंगे। रोस्टेड टोमेटो प्यूरी को चने के साथ कुकर में डालेंगे। साथ ही इसमें 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का डालकर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और फिर से इसे 4-5 सीटी बजने तक पकाएंगे। छोले के लिए खड़े मसाले भून लेंगे। हमने लिया है 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 लौंग, 1 काली मिर्च, 1 सौंफ, 1 जीरा, 1 धनिया, दालचीनी और 1 खड़े लाल मिर्च। सभी मसालों को नॉनस्टिक पैन में 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और फिर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। पहले सूखे मसालों को पीस लेंगे। अब इसमें जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। छोले के लिए मसालों का पेस्ट तैयार हो चुका है। तब तक कुकर भी सीटी देने लगी है, यानी छोले पक चुके हैं। अब कुकर को ठंडा होने देंगे। चलिए डो देख लेते हैं। डो पूरी तरह से फूल चुका है। अब इसे थोड़ा सा
चिकना कर लेंगे और छोटे छोटे बाल काट लेंगे। सभी बॉल्स पे थोड़ा सा तेल सेपरेट करेंगे और फिर इसको ढक देंगे। फ्रेंड्स, छोले बनाने के लिए हमने सिर्फ खड़े मसालों का उपयोग किया है, कोई भी रेडीमेड या पिसा मसाला यूज़ नहीं किया है। हमारे किचन में जो सामान उपलब्ध है उसी से ही हेल्दी और टेस्टी ऑयल फ्री छोले बनकर तैयार हुए हैं। चलिए कुकर खोलते हैं। ये देखिए छोले का कितना बढ़िया कलर आया है और छोला पूरी तरह से पक चुका है। छोले में जो खड़े मसाले डाले थे, तेजपत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची को बाहर निकाल लेंगे। एक नॉनस्टिक पैन गरम करेंगे और इसमें 4 चॉप्ड अनियन और 1 टीस्पून साल्ट डालकर मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। इसे चलाते हुए अनियन ब्राउन होने तक भूनना है और उसके बाद अपना जो मसाला पेस्ट तैयार किए थे वो इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। मिक्सी धोकर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे कवर करके पकने देंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे। 2 टेबलस्पून जो अपने चने हैं उबले हुए, इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और 1 पिंच हींग डालेंगे। इसे भी अच्छे से भूनते हुए पका लेंगे। ये छोले का पेस्ट है, इसे भी हम डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भूनेंगे। छोले के मसाले पूरी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें हम उबला हुआ चना डालेंगे और इसे मिक्स करके 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया छोला पककर तैयार हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिससे इसका कलर और भी अच्छा हो जाएगा। गैस पर 1 कप पानी गरम करेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून चाय की पत्ती डालेंगे। इसे थोड़ा सा खौला के फिर इसको छोले में छान लेंगे। चाय छानने के तुरंत बाद ही इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। और चाय थोड़ा एसिडिक होता है और बेकिंग पाउडर बेसिक होता है, इन दोनों के रिएक्शन से बहुत ही बढ़िया छोले का कलर आएगा। ये देखिए कितना बढ़िया छोले का कलर लग रहा है। तो ये आपका ऑयल फ्री डिलीशियस और हेल्दी छोला बनकर तैयार हो गया है। चलिए फटाफट से कुलचे बना लेते हैं। कुलचे का लोई तो तैयार है, अब उसमें से 1 लोई निकालेंगे और उसको हाथों की सहायता से बिल्कुल इवेनली इस तरीके से फैला लेंगे। इसे फाइनल टच बेलन से देंगे और इस पर धनिया की पत्ती और मंगरेल फैलाएंगे और इसको प्री हीटेड तंदूर में बटर लगाकर सेक लेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। Thank you.
ये देखिए फ्रेंड्स कितने फूले फूले कुलचे बन रहे हैं। आप तब तक छोला कुलचा एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।